नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम इस वक्त मौजूद हैं झीलों के शहर में और आज बात होगी आधी आबादी की, उनके सम्मान की, उनके अधिकार की, उनकी आजादी की। आखिर क्या क्या उन्हें मिला, क्या क्या सरकार ने उनके लिए जो योजनाओं की शुरुआत की, क्या वाकई में वो योजनाएं उन तक पहुंच पाती हैं। खास मेहमान, खास महिलाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो योजनाएं सरकार की ओर से होती हैं वो कितनी मिल पाती हैं लोगों को, क्या वाकई में सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो इन्हें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, सफर पे चलते हैं, भोपाल का सफर करेंगे और सभी से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो भोपाल के सफर पे हमारी गाड़ी निकल चुकी है, जो खास गाड़ी हमने तैयार की है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक कर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत वोटिंग से ही करेंगे कि आखिर जो वोट अब पड़ने वाले हैं भोपाल में, आखिर किस तरह से ये महिलाएं उस वोट को देखती हैं, क्या जहन में है इनके, क्या जहन में रख करके वोटिंग करेंगी, किस तरह से देखती हैं वोटिंग, क्या कुछ चल रहा है दिलो दिमाग में। मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी सरकार आएगी इस बारी, क्योंकि उन्होंने जो कहा है हमेशा किया है, अपने संकल्प पत्र पे जो 2019 में कहा था वो भी किया था, और अब जो भी वो मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में लिखेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश बनाने की बात करी है, इलेक्शन जीतने की बात नहीं करी है। तो मेरा मानना है मोदी सरकार ही आएगी और 7 मई को हम उन्हीं को यहाँ से आलोक शर्मा को जिताएंगे। किस तरह से देखती हैं चुनाव को? जो आज तक कांग्रेस ने नहीं सब कोई सुविधा नहीं दी हम लोगों को, वो आज हमें मोदी जी ने दिए। मोदी सरकार के राज में हर बात की सुविधा है, बच्चियों की शादियाँ हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की सुविधा दी है हम लोगों को। बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं। चूँकि चुनाव है और 3 तलाक का मुद्दा ना उठे ऐसा हो नहीं सकता, और मुस्लिम महिलाएं हैं आखिर कितना सेटिस्फाइड है ये बड़े डिसीजन से, क्योंकि जब मन आता था 3 तलाक बोल करके छोड़ दिया जाता था, और आखिर किस तरह से इसको लेकर के आप देखती हैं? हम सब ने देखा है कि हमारे बड़ों में ऐसे ऐसे मसले हुए हैं कि नमक कम कर गया सब्जी में तो तलाक दे दिया, चीनी कम पड़ गई चाय में तलाक दे दिया। एक औरत हमेशा बेसुकूनी में रहती थी कि उसका शौहर उसको तलाक ना दे दे इन छोटी छोटी बातों में। माली योजनाएं एक तरफ, मोदी सरकार की 3 तलाक की योजना एक तरफ, आज कोई भी शौहर एक बार सोचता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कुछ मतलब मेरे लिए उल्टा ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं हो रहा, तलाक हो रहे हैं, पर वो जो 10 या 20% ऐसे इंस्टेंट तलाक होते थे जिसमें सिर्फ गुस्से में एक शौहर ने तलाक दे दिया, वो अगर 10 भी कम हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसका श्रेय मोदी जी को जाएगा। 3 तलाक लागू होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे मामले फिर भी सामने आ रहे हैं, इतनी हिमाकत फिर भी की जा रही है उनके द्वारा, आखिर इसे किस तरह से आप देख रही हैं? बिल्कुल, ऐसा एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, सदियों से ये काम चला आ रहा है, तो कुछ टाइम तो लगेगा इंडिया को इसको समझने में। योजनाएं जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो लाडली बहना की योजना है, राशन की योजना और तमाम योजनाएं जो हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, क्या उनका फ़ायदा आपको मिलता है? जी मिलता है ना, हमारी जो मतलब हमारी डिलीवरी हुई थी तब हमारी लड़की पेट में थी, तो हमारे आंगनवाड़ी में 6,000 रुपये आए थे, और फिर जब हमारी डिलीवरी हुई तो वो भी ऑपरेशन से हुई, हमें कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ फ्री में हुआ, और हमारी लड़की की लाडली लक्ष्मी योजना की FD भी बनी है 1,18,000 की, तो अब वो भी आएगी। योजनाओं का तो बहुत लाभ हुआ है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाए उन्होंने, आयुष्मान से भी बहुत फ़ायदा है, किसी का एक्सीडेंट या कुछ बीमारी हो जाती है तो बड़े से बड़ा इलाज फ्री में हो जाता है। आखिर योजनाओं को लेकर के आप क्या सोचती हैं, फिर आगे और भी सवाल हैं। सबसे मेन तो ये है कि लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी, स्कॉलरशिप दी है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, उनका करियर बन सकता है। पहले बचपन में लड़कियों की शादी कर दी थी गाँव में, तो वैसे भी छोटी उम्र में शादी कर देते थे, उनका करियर बन नहीं पाता था। अब उनने इतना वो करा कि जब तक लड़की 21 साल की नहीं होगी जब तक शादी नहीं हो सकती, सबसे मेन तो उन्होंने ये कर दिया, और क्या चाहिए। सेटिस्फाइड हैं आप? जी, अपने पैरों पे खड़ी तो हो जाती है लड़की, तब जाके उनकी शादी होती है, मजबूती आ जाती है। मतलब पहले ऐसा था कि ना लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो अब मजबूत हो गई हैं लड़कियाँ। सुरक्षा को लेकर भी सवाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी सुरक्षा मिल रही है? बहुत सुरक्षा है,
भाजपा की सरकार में बहुत सुरक्षा है, हर तरीके की सुरक्षा है, गुंडा राज खत्म हो चुका है भोपाल से। आज सारे गुंडे डरते हैं कि नहीं, पहले जो शिवराज सिंह चौहान रहे हैं हमारे सीएम, तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्ट मामला रखा है, और अब जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। पर भाजपा के आने के बाद बहुत सेफ्टी हुई है। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है और जिससे लेकर के राजनीति तो खूब होती है, और किसी ने विरोध किया किसी ने सपोर्ट किया, आप सभी आखिर किस तरह से इसे देखती हैं कि राम मंदिर क्या बनना चाहिए था, आपको खुशी हुई, क्या सोचती हैं इसे लेकर के? राम मंदिर का मसला ऐसा है कि हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उनके डिस्कशन के बाद जो हुआ वो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो, तो उसके लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वही है। बस जो बड़ों ने फैसला किया है, उलमाओं का कहा है उन लोगों ने, तो उस फैसले से हम लोग भी सहमत हैं। कांग्रेस की सरकार थी लंबे वक्त तक, और कांग्रेस की तो बात ही मत करिए आप, कांग्रेस की तो बात ही मत करिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, और आगे के भी वादे ऐसे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने वाले वादे सारे किए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हम 1,00,000 रुपए देंगे साल में, 8,000 रुपए महीना देंगे, अरे भैया हमें नहीं चाहिए, हम सुकून से हैं, पहले क्यों नहीं किया ये सारा कुछ? कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी जो है विरोध करती है मुस्लिम्स का, हम सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि विरोध करती अगर मुस्लिम का, अगर आयुष्मान कार्ड बना है तो वहाँ जाकर अगर कोई मुस्लिम महिला अपना नाम बताती है कि मेरा नाम फरजाना है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो लाभ नहीं है, सिर्फ आरती के लिए लाभ है, कहाँ पर फर्क किया है बताइए आप मुझे? लाडली बहना का पैसा आ रहा है आप सभी के अकाउंट? बिल्कुल आ रहा है। मदद तो मिलती होगी? जी पेंशन बनी है, हम देव आए हैं, हमें 600 रुपए पर पेंशन के आते, हमारा कोई सहारा नहीं, फिर ये गल्ला मिलता है उसी से सहारा चलता है, उन्होंने मोदी मिल रहा है हमें, वो सुविधाएं हो गई और हम तो उन्हीं के साथ ही, उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और कई सारी उम्मीदें आप लोगों को होंगी सरकार से, सरकार बनती है तो आखिर क्या कुछ चाहेंगे, और बड़ा बदलाव हो और कुछ नया आपके लिए किया जाए? बड़ा बदलाव ही चाहिए हमें, तो हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। बड़ा बदलाव तो हमारे सोचने में आने से पहले वो कर देते हैं, 3 तलाक वाला मुद्दा हमने कभी सोचा नहीं, उन्होंने सोचा हमारे बारे में और एक्शन ले लिया, हम तो सोचते ही नहीं, वो हमारे बिना सोचे सारा कुछ करे जा रहे हैं हमारे लिए। आपके घर पे डिस्कस होता होगा इन सभी चीज़ों को लेकर के, आखिर आपके जो घर के पुरुष हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो इन चीज़ों का विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, सब सही के साथ हैं, सबको काम दिख रहा है। क्या है, शुरू से कांग्रेस ने एक वो बना के रखा है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान जाएगा तो कांग्रेस की तरफ जाएगा और हिंदू जाएगा तो बीजेपी की तरफ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब जो चुनाव हो रहे हैं और होते आए हैं अभी इस टाइम पे बीजेपी के आने के बाद से, तो वो काम के आधार पे हो रहे हैं, जो सरकार काम करेगी हम उसे वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट थोड़ी ना देंगे हम। CAA बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, जिस पर राजनीति लगातार हो रही है जब से लागू हुआ है, आखिर उसे किस तरह से देखें, क्या आप खुश हैं या इस पर कोई सवाल है या कोई परेशानी है, घर में कुछ डिस्कस होता होगा? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है हमेशा विरोध तो होता ही है, चाहे CAA हो या GST हो, जिस वर्ग के खिलाफ थोड़ा सा किसी को कष्ट हो जाता है वो विरोध कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं पूरी पॉलिसी गलत है, तो उसमें दोनों पक्ष से डिस्कशन होते हैं, जो बेहतर होगा वो होगा। कई सारे मुस्लिम पक्षों के द्वारा विरोध किया गया कि ये सही नहीं है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि कहीं ना कहीं, कांग्रेस आज भी भड़काने का काम कर रही है सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बचाएगी जो कांग्रेस के भड़कावे में आएगा, कांग्रेस के भड़कावे में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत टाइम उन लोगों ने राज कर लिया और कुछ नहीं किया, अब मुसलमान समझदार है, अपनी सोच बूझ से वोट करेगा, और जैसे जिसको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए काम कर रही है ये पार्टी, हम उसको वोट करेंगे और इसी आधार पे हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को ये भी लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट है या PM बने हैं मोदी, तब से हिंदुइज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या हर कहीं हिंदूवादी सभी नज़र आते हैं और मुस्लिमों को साइडलाइन किया जाता है? ये सब अपना अपना धर्म है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा कांग्रेस का ही चलाया हुआ है, हिंदू और मुस्लिम जहाँ है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लोगों के दिमाग में कांग्रेस ने डाला हुआ है, नहीं तो आज का युवा सिर्फ अपना काम धंधे पे ध्यान दे रहा है और अपने आप को अपनी परिवार को बढ़ाने पे ध्यान दे रहा है। सिंपल सी बात है, हमें हमारे रोटी सालन पकाने से मतलब है, हिंदू मुसलमान तो ये एक प्रॉपर वो कर दिया गया है कि ना आप लोग खुद लड़ें और खुद ही मर जाएं, बाकी हिंदू मुसलमान सब एक हैं और हिंदुस्तान में तो सारा हिंदू मुसलमान एक है। कई सबसे बढ़िया एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि सबसे अच्छा काम मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड, जिस परिवार का कोई बंदा अगर इलाज नहीं करवा पाता था अपना, आज वो 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज करवा पाता है, तो वोट तो अपनी जगह है, उनके दिल से दुआ निकलती है मोदी सरकार के लिए,
कि जिसका कोई बीमार होता है ना उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है कि इसका इलाज मैं कैसे कराऊं, मेरे पास पैसे होते, लोग कर्ज करते थे, किसी से मांगते थे, रिश्तेदार भी नहीं देते आज के वक्त में। तो मोदी सरकार ने इतना बड़ा उनको वो दिया है कि आप 5 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं। ये भी है कि 3 तलाक के बाद ये भी कई बार सामने आया कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर अपने घर में झेलना पड़ा जब से 3 तलाक का मामला आया, कहीं ना कहीं ईगो पर जो है मुस्लिम पक्ष में पुरुषों में आ गया, टॉर्चर खत्म हो गया 3 तलाक का मामला आने के बाद, टॉर्चर खत्म हो गया। टॉर्चर करने से पहले सोचना पड़ता है कि मोदी जी बैठे हुए हैं टॉर्चर करने से पहले। इजी लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी होता है तो इजीली कहीं भी रिपोर्ट की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वैसे तो डर के मारे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर हो भी तो सब जगह सुनवाई होती है बराबर। 3 तलाक पे कैसे देखती हैं आप? सबके लिए फायदा है। फायदा है जी हाँ। आपकी भी बेटी होंगी, बहू होंगी, किस तरह से देखती हैं? सब अच्छे से देखते हैं, सब खुश है 3 तलाक जी हाँ। और हमारी बहन है छोटी, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था, रोती रहती थी, इलाज कहाँ से करा, आयुष्मान कार्ड से फ्री ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ उनका, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई। अब जो देख पा रहा है आयुष्मान कार्ड से, वो वोट कैसे नहीं देगा? बहुत सी सुविधाएं दी है हमें मोदी जी सरकार ने। टॉर्चर खत्म हुआ है? टॉर्चर काफी खत्म हुआ है, जैसे कि आप मान के चलिए कि मतलब आदमियों के पास ये पावर आ गई थी कि वो सब कुछ कर सकते थे एक मैरिज जैसे रिलेशन में, बट मोदी सरकार ने उन बहनों को अपनी बहनें मानकर उनके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करी है, तो टॉर्चर तो पूरा खत्म हुआ है। अब कोई भी आदमी अपनी लाइक बीवी के साथ कभी भी हावी नहीं हो सकता, उस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि मोदी सरकार उसके परिवार की तरह बैठी हुई है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो शौचालय नहीं थे गांव में, लेटिंग बाथरूम डिब्बा लेके चले जाते थे, मगर उन्होंने बहुत ही सुविधा दी है। तो हम नहीं चुनेंगे क्या किसी देर को चुनेंगे? भाई जो अपने खाने दे रहे हैं, गेहूँ पानी दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, हर काम में तो वो आ गए, बच्चों के पढ़ाई के पैसे सब तो कर रहे हैं, तो वो अपने लिए उसको ही चुनेंगे, उसी को वोट देंगे हम। पेंशन आती है? आती है हमारे 600 रुपए। बेटी बहुओं को पैसे आ रहे हैं लाडली बहना के? हाँ आ रहे हैं ना बेटा। खुश हैं वो लोग? सब खुश है हमारे परिवार। अभी तो सरकार ये भी कह रही है थोड़ा समय बीत जाने दो, 3000 तक करेंगे। हाँ अब जब देखेंगे बेटा, अभी तो अपन ले रहे ना, अभी तो दे रहे ना वो अपन। सहायता होती है कई सारी? हाँ होती, बहुत सहायता हो रही है साहब, गम पानी का पानी फ्री मिल रहा, खा रहे हैं अपन, सब अपन ला रहे हैं, खा रहे हैं, भाई कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई पे लगातार सवाल उठते आए हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये भी सवाल उठता है कि गृहिणी हैं आप सब, महिलाएं हैं, आखिर आपके किचन पे कितना ज़्यादा इससे फर्क पड़ा है, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है? सिलेंडर फ्री मिलना है, सिलेंडर भी फ्री हो गया है, अब तो सब चीज़ों की सुविधाएँ मिल रही, और क्या चाहिए, जो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं अपन भी उन्हीं के साथ है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उज्ज्वल योजना से सिलेंडर दे दिया, घर घर चूल्हे जलते थे वो खत्म हो गए, और पाकिस्तान से तो ज्यादा महंगा नहीं ना हिंदुस्तान, ना महंगाई तो बढ़नी है, हमेशा बढ़ती है, हम बड़े हो रहे हैं तो महंगाई नहीं बढ़ी होगी, सब चीजों के अपनी आय भी बढ़ती है लोगों की, तो वो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो कांग्रेस के पास है। महंगाई बढ़ गई है, 50 रुपए पेट्रोल था 100 रुपए हो गया है, तो पहले अपन लोग कप केक खाते थे, अब जाकर रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो महंगाई तो होगी ना। मध्यम वर्गीय बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्या सोचती हैं आपके, महंगाई बढ़ी है बहुत ज्यादा वो जा रहा है? नहीं नहीं, महंगाई तो बढ़ना ही थी, वो तो आज नहीं कल बढ़ना है महंगाई, अब वो तो बड़े होंगे बच्चे, तो पढ़ाई का खर्चा हर चीज़ का वो दे तो रहा है, इतनी सहूलियत और क्या चाहिए, स्कॉलरशिप दे रहा है सबसे मेन तो लड़कियों के लिए, पढ़ाई में अच्छा सहयोग मिल रहा है सरकार, वो ज़्यादा सहयोग मिल रहा है पढ़ाई में। आप किस तरह देखती हैं, आप भी एक गृहिणी हैं? जी जी, महंगाई तो ये लॉकडाउन से और थोड़ी बढ़ गई है, तो वो तो काम काज जो सब कुछ बेहतर होता जाएगा तो वो तो कम हो ही जाएगा, बाकी सब ठीक है। आप सभी के यहाँ जो पुरुष होंगे, आपके हस्बैंड्स होंगे, वो व्यापार करते होंगे, कहीं नौकरी करते होंगे, तो क्या आसानी से उनको रोजगार मिल पा रहा है या व्यापार वो कर पा रहे हैं, कोई परेशानी इस चीज़ में? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और मेहनत का क्या है, मेहनत जहाँ करो वहाँ पर फल मिलता है, बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि सरकार की वजह से कोई परेशानी हो रही हो। अब मोदी जी घर बैठ के आके तो रोटी देंगे नहीं किसी को, खुद भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। सही बात है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, चाहे वो CAA का मुद्दा हो और 3 तलाक का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो,
कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, खासकर तीन तलाक के मुद्दे पर कोई परेशानी नहीं है, CAA पर कोई परेशानी नहीं है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड ये महिला नजर आई, खुश नजर आई कि नहीं हमको मोदी जी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सभी योजनाओं का फायदा हमें मिल रहा है और हम यही चाहते हैं कि इस तरह का सपोर्ट और ऐसी ही सरकार हमें आने वाले वक्त में भी मिलती रहे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आई और हमारे साथ जुड़ी।